सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा लें ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर पाए। नमस्कार, भंडार टीवी के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर का बना ये तेल रोजाना 10 मिनट बालों पर लगाओ और आप देखोगे कि आपके बालों की लंबाई यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने बालों की लंबाई को बढ़ा पाए, मैं आपके लिए एक ऐसा ही उपाय लेकर के आया हूं। आप जो ये नुस्खा देख रहे हैं, इसी नुस्खे को आप अपने बालों पर रोजाना 10 मिनट के लिए लगाएंगे। ये घर का बना एक तेल रहेगा जिसे आपको लगाना है और ये नुस्खा, ये रेमेडी आपके बालों की लंबाई को बहुत ही तेजी से बढ़ाएगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बालों की ग्रोथ को और तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए हमें सबसे जरूरी बात यह जान लेनी चाहिए कि हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से बने हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हो, तेजी से बालों की ग्रोथ हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बालों को प्रोटीन सही मात्रा में दें। अब प्रोटीन के लिए बहुत से सोर्सेस हैं, वेज में बहुत से सोर्सेस हैं, नॉन वेज तो प्रोटीन से भरा ही होता है, तो आप अपने डाइट में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ऐड कीजिए, आपके बालों की लंबाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप शैंपू का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। मेरी पुरानी वीडियोस देखिए जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं, आप उन टिप्स को फॉलो करें, अपने बालों का झड़ना रोकें और बालों की लंबाई को बढ़ाएं। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि हमारी इस रेमेडी को हम कैसे बनाएंगे जिससे हमारे बालों की ग्रोथ होने लगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगा नारियल का तेल। और जैसे कि आप जानते हैं, नारियल का जो तेल होता है ये बना ही होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों के विकास के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की लंबाई बढ़े तो यहाँ पर आप नारियल तेल जरूर यूज किया करें। तो यहाँ पर हमारी इस रेमेडी में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 3 चम्मच नारियल तेल का। ये देखिए इस तरीके से 3 चम्मच आपको लेना है। ये मैंने दूसरा चम्मच ये डाला और ये हम मैं अब यहाँ पर तीसरा चम्मच डाल रहा हूँ। ये देखिए 3 चम्मच इस तरीके से नारियल तेल लें। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना होगा दोस्तों ये, अब आप बोल रहे होंगे आखिर ये है क्या, तो ये है दोस्तों ग्रीन टी। और आपको बता दूं, ग्रीन टी जो होता है दोस्तों हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसके इस्तेमाल बालों पर करने पर ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाता है। तो आपको क्या करना है, ग्रीन टी को कुछ इस तरीके से और अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसका जो पाउडर कुछ इस तरीके का बना लेना है और इसे कुछ इतनी सी मात्रा में आपको लेना है। ये देखिए 1/2 चम्मच के बराबर है, इसे लेकर के मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अब यहाँ पर हमें जो तीसरी चीज रहेगी ये आपने शायद नहीं देखी हो, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो तीसरी चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एप्पल साइडर विनेगर। और आपको बता दूं, इसके इस्तेमाल करने से हमारे बालों की ग्रोथ में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ बालों का झड़ना रोकने के साथ ये हमारे बालों में जो डैंड्रफ की समस्या होती है उसे भी ये बहुत ही तेजी से समाप्त करता है। तो चलिए इसकी भी मात्रा जान लेते हैं। तो इसकी मात्रा यहाँ पर आपको लेनी होगी 1 चम्मच। ये देखिए इस तरीके से आपको जो है इसे 1 चम्मच इस तरीके से लेना है और यहाँ पर इन सारी चीजों को आपको डाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, क्योंकि देखिए मैंने सारी चीजें डाल दी। अब मैं इसे डायरेक्टली मिला करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस रेमेडी को लगाएंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट गेन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी घर की बनी रेमेडी बनके तैयार है और इसके इस्तेमाल करके हम अपने बालों की लंबाई को बढ़ाएंगे। तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे हम इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी का प्रयोग अपने बालों पर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों को साफ करना होगा। बालों को साफ करने के लिए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और उससे अपने बालों को साफ करें। उसके बाद बालों को सुखा लीजिए। उसके बाद क्या करें, इस रेमेडी को बना के रख लीजिए और इसे अपने बालों पर लगाइए। कैसे लगाएंगे, इसे आपको जो है लेना है और इसे आपको अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों के टॉप तक अच्छी तरीके से लगा लेना है। बालों पर इसे लगा करके आपको कम से कम 10 मिनट रखना होगा, उसके बाद आपको अपने बालों को साफ करना है। बालों का फिर से ठंडे पानी से साफ करेंगे और अगर आपको आपके बालों में कोई भी स्मेल आ रही है तो आप क्या करें, एक कोई भी अच्छा जो केमिकल फ्री वाला जो शैम्पू है आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहां पर एक शैम्पू है जो मैंने सजेस्ट किया है जो बहुत ही कम केमिकल वाला है जो कि आपके बालों के लिए अच्छा है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो उन शैम्पू का इस्तेमाल करें अपने बालों पर और आपके बालों की लंबाई जो है बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। इस रेमेडी को आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको भंडार टीवी का आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को दबाइए जैसे आप हमारे चैनल भंडार टीवी के इस प्रकार की नई वीडियो सबसे पहले देख पाए। धन्यवाद दोस्तों।